गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आनंद सॉफ्टवेयर जोसेफ स्कूल महाराजगंज। ये वीडियो क्लास 3 के लिए है, जिसमें आज हम लोग एडिंग 3 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एडिशन के अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहला हम लोग पढ़े थे ब्रेकिंग वन नंबर को ब्रेक करके ऐड करने के लिए सीखे थे। इसके बाद ब्रेकिंग बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर को ब्रेक करके सीखे थे ऐड करने के लिए। इसके बाद बाई काउंटिंग इन टेंस, टेंस को काउंट करके ऐड करने के लिए सीखे थे। लेकिन आज जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग एक अलग टॉपिक यानी एडिंग 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, तो नॉर्मल एडिशन है और एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं रीग्रुप करके, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 526 है और 247 है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉलम के फॉर्म में एडेंट है, ये एडेंट है, दोनों को लिख दिए और इसको अरेंज कर दिए। अब इसको सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कितना है, 500 हो गया, 210 हो गया और 61 हो गया, लिख दिए। अब इसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये 200 हो गया, 410 हो गया और 71 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो 1 से 1 से तो 1 लिख दिए और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 10 से 10 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 हो गया, आई बोर्ड 2 कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 13 1s लिखा है, यानी इसमें 1 10th छुपा हुआ है, क्या कितना छुपा हुआ है, 1 10th। तो 1 10th को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे 700 हो गया प्लस 6 10th हो गया और इसमें 1 10th छुपा हुआ था, तो वहाँ पे लिखिए प्लस, जब 1 10th निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 1s बचेगा। अब ये 7 और 6 जोड़ दिए, कितना हो गया, 7 10th हो गया, ठीक है, 700 हो गया, 7 10th हो गया और प्लस 3 1s हो गया। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 7 का 7 हो गया, फिर 7 10th हो गया और इसके बाद 100 1s कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 773, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रीग्रुपिंग करके किसी भी नंबर को ऐड करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज हमारा है 2C, एक्सरसाइज 2C, 2C में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 437, यहाँ पे दिया है 100 10 1s, यहाँ पे एक गोल बना है, यहाँ पे दिया है 2 4 3। अब इसको भी क्या करना है, हमको रीग्रुपिंग करके ही ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसी में सॉल्व करेंगे। चलिए इसको लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1s पे कितना है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे 437 और इसके बाद कितना है, 243, इसको हमें ऐड करना है। सबसे पहले 7 1s, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 7 3 10s 3 लिख दिए, 400 यानी 4 हो गया, फिर इसमें आते हैं तो 3 1s है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 3, इसके बाद 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 10s हो जाएगा, 10 1s हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और ये कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो 10 1s यानी इसमें 1 10th छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लस इसको लिख देते हैं पहले कितना, 600 हो गया, 7 10th हो गया और इसमें 1 10th छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 10th लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 10th। अब इसको ऐड करेंगे तो 600 हो गया और 7 और 1 कितना हो गया, 8 10th हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको नॉर्मली आप ऐड भी कर सकते हैं, तो 7 और 3 10 का 0 हो गया, कैरी 1 हो गया और 3 और 4 7 और 1 8 और ये 6 और 1 कितना हो गया, 7। लेकिन हम लोगों को तो ऐसे करना नहीं है, नॉर्मली कैसे करना है, तो रीग्रुपिंग करके करना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 780 लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 680 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा,
680। ये हमारा ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 1 से लेकर 10 तक 10-15 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2D को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।